मोनामी ने किया करण का पीछा। छुप छुप कर प्यार भरी नजरों से करण को देख रही है मोनामी। सीरियल जिद्दी दिल माने ना में फाइनली वो मोमेंट आ गया है जहां मोनामी ने ढूंढ लिया है अपने करण को, लेकिन वो चाहती हैं कि करण उनके सामने आए और बताए कि वो उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं। अब मोनामी तो भाग ही रही क्योंकि उसको करण से मिलना है। अब वो उसको जानना है रीज़न कि एक तो करण जिंदा है तो मोनामी से उसने बात क्यों छुपाई, और मोनामी ऑब्वियसली करण को देखेगी तो उसके पीछे भागेगी उसको पकड़ने के लिए। बट रीज़न ये है कि करण क्यों भाग रहा है वो मोनामी को जानना है, और इसके वजह से मोनामी पीछे भाग रही करण के। एंड काफ़ी कुछ दोनों के बीच में, तो मतलब अगर शो की अगर बात की जाए या मोनामी की अगर बात की जाए तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव तो चल ही रहे हैं। एंड इसके साथ में आज ही मोनामी खुद गाड़ी के सामने खड़ी हुई हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए उन्होंने? अब तो मोनामी का बिल्कुल ऐसा वो होता है ना, सब्र का बांध वो टूट गया है। अब तो शी इज़ लाइक कि अब आर्या पार वो करण को ढूंढ के रहेगी, मिल के रहेगी उसे। क्यों ये करण जो है वो क्यों आँख में चोली खेल रहा है मोनामी के साथ? सो दैट इज़ वाई वो बस अब सोच रही थी अब या तो करण बचाएगा अगर है तो, अगर उसका प्यार सच्चा है, विश्वास सच्चा है कि करण वापस आ गया है, वो मरा नहीं है, तो या तो वो मरेगी या तो बच जाएगी। एंड फाइनली मोरान एक साथ नज़र आ रहे हैं फैंस की डिमांड पर, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे मोनामी आप? ये तो मतलब मज़ा ही आ गया, जन्नत ही मिल गई फैंस को और मोनामी को दोनों को। एंड ऑब्वियसली मोरन के बिना तो शो अधूरा ही है, तो बहुत खुशी है मुझे भी कि मेरा करण वापस आ रहा है और फाइनली इस बल्ली से छुटकारा मिलेगा, और करण से ऑब्वियसली मिलूंगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए क्यों छुप रहे हैं आप मोनामी से? देखिए करण जिंदा था और उसको एकदम से कहीं से सांस आती है जो हमने दिखाया है, और वो सांस आती है और उसके बाद वहाँ से निकलता है, लेकिन उसे ये पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन है सबके पीछे। तो वो उसने सोचा कि अगर अभी मरा हुआ हूँ लोगों के लिए तो मरा ही रहने देता हूँ। तो उससे जब आगे जाके एक एपिसोड में सवाल भी पूछा जाता है कि आप उसके सामने क्यों नहीं जा रहे, तो बोलता है मेरे लिए सबसे पहले देश और ड्यूटी है, और प्यार इंतज़ार करना जानता है, तो अगर प्यार करती है तो इंतज़ार करेगी ज़रूर, लेकिन देश और ड्यूटी इंतज़ार नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मोनामी आपके पीछे पीछे भाग रही है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए करण? देखिए अब करण ने सोच लिया है कि मोनामी के सामने आएगा लेकिन अलग तौर पे आएगा, तो वो धीरे धीरे हिंट्स दे रहा है उसे कि मैं हूँ, ताकि वो जो बेबस उदास है वैसी ना रहे, पर वो उसके सामने नहीं आना चाहता कि आ जाए और लोगों को पता चल जाए, वो ये नहीं करना चाहता। तो वो चाहता है कि मोनामी को ये पता चल जाए मैं हूँ पर मैं उसके सामने नहीं आऊँ, क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका है। तो मोनामी को उसकी झलक दिखती है और उसको पता चलता है कि करण यहीं कहीं है, तो उसके पीछे आती है और बस। तो आप खुद देख लीजिए ये प्यारा सा नजारा। Thank you.
Thank you.